हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. एक्चुअली वेदर आज ऐसे कि ऐसे लग रहा है गुड मॉर्निंग है, तो मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ कि मतलब इतना लेट हो चुका है. आई थिंक इट्स 3 o'clock राइट नाउ, और अभी ऐसे लग रहा है कि सुबह ही है. एक्चुअली आई वॉज डूइंग सम हाउस चोर्स, बट फिर मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा ओ व्लॉग बनाती हूँ ना. आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स, सो मैंने अभी मशीन में ही डाले हैं कपड़े. सी यहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन होता है, आई विल शो यू हियर. बहुत गंदा है. दिस इज माई वॉशिंग मशीन हियर, चल रहा है कपड़े डाले. यहाँ पे बहुत पिजन है, लेकिन गंदगी दे डू ना, एंड आई एम सो स्केयर ऑफ पिजन. आज मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, बिकॉज आई गॉट द बैटर फ्रॉम द मार्केट, इडली डोसा का. सो आई नो हाउ टू मेक डोसाज, एंड आई गॉट द चटनी ऑल्सो. रिसेंटली मैं ये वाला प्लांट लेके आई हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी. सॉरी, दैट्स माई प्रेसिंग एंड ये प्लांट है. दैट्स मी, हेलो. थोड़ा गंदा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है, तो मुझे क्लीन करना है. तो अभी मैं एक्चुअली ये कर रही थी यहाँ पे, तो मुझे वन और एक और प्लांट हो रहा जो लगाना है. मैं एक प्लांट ऑलरेडी लगा चुकी हूँ. लुक एट दिस प्लांट, सो प्रिटी. इट्स लाइक अ रोज ना, बट इट्स एक्चुअली अ केल प्लांट विच इज़ नॉट एडेबल ऑफकोर्स. नहीं तो मैं ही खा जाती, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है. यहाँ पे देखो मेरा ये रखा है, और यहाँ पे मैं बारबेक्यू करती हूँ इसको. तो ये प्लांट मैंने लगाया था, बट इट्स डाइंग. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आई पुट, या बहुत सारे प्लांट्स मर रहे बेचारे, बिकॉज इट्स विंटर्स. सो और यहाँ पे बहुत बच्चे खेल रहे हैं आज बास्केटबॉल, और ये स्विमिंग पूल कभी भरते ही नहीं है. आज बाहर थोड़ी ज़्यादा हवा चल रही है, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया. अंदर तो फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है, बट बाहर आके लग रहा है कि हाँ इट्स विंटर्स, आई शुड वेयर समथिंग. तो अभी मैं यहाँ पे ये प्लांट करने जा रही हूँ. Cleaned everything and look at my hands. I broke my nail and I'm so sad about it. I don't have gloves. So bina gloves ke kaam karna padta hai. Anyway, yahan pe sab kuch ho chuka hai, clean ho gaya, maine plant laga diya. I'm so happy. My plants look so beautiful. This one also I planted, and I planted this one and this one. अभी तक जितने भी प्लांट मैं मार्केट से परचेज करके लाई हूँ, जो मैंने खुद नहीं लगाए, वो ज्यादा टाइम तक चले नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, लाइक दे जस्ट कीप डन. ठीक है, तो अभी मेरा काम यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, मैंने सब कुछ कर लिया. बस मेरे को
पीछे स्टैंड पर कपड़े डालने जो अभी स्टिल सूख रहे हैं, तो अंदर चलते हैं, कुछ काम ढूंढ लेती हूँ। ओह माय गॉड यू गाइस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट शिट, आई डोंट नो, आई एम अ लिटिल फ्रीक्ड आउट। बट अभी जस्ट मैं बिकॉज मैं बाहर गई थी तो माय टीवी वाज ऑफ, नॉट ऑफ बट इट द थिंग वाज पॉज्ड, ओके लाइक दिस, आई पॉज्ड द दिस शो वाज प्लेइंग और मैंने ये पॉज किया और अभी मैं अंदर आई थी सामान रखने तभी भी पॉज था और जब मैं अभी अंदर वापस आई, ओह माय गॉड, अपने आप वो पता नहीं कैसे ऑन हो गया बिकॉज मैं यहाँ पे पास में आई नहीं हूँ। शिट, लाइक आई एम नॉट इजली स्कैर्ड दो बट इट्स अ लिटिल वियर्ड बिकॉज मैं पॉज करके गई थी, मेरे को अच्छे से याद है, मैं दोबारा आई थी और तभी भी पॉज था और जब मैं काम ख़त्म करके अंदर आई हूँ तो मेरे को लगा शायद कोई बोल रहा है एंड आई थॉट मस्ट बी माई नेबर्स, बट मैंने आके देखा तो टीवी ऑन था, उसने तो नहीं किया। इससे मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ओके मैं अकेले रहती हूँ, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन मेरे को उससे डर लगता है बहुत ज़्यादा इससे। लुक एट दिस गाय, लिटिल गाय, ऐसे लगता है कि ही स्टेयरिंग इन योर सोल। बट हीटर है, मेरी मम्मी ने मुझे ला के दिया था ये बिकॉज ऑफ विंटर, इसने तो ऑन नहीं किया। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ ए बिच, इट्स माई हाउस, सो वाई शुड आई बी स्कैर्ड ना, डर नहीं लगता मेरे को, डर नहीं लगता। एक्चुअली मेरे पास एक, मैंने भी लाइट ऑन कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क था, मेरे पास एक लाइट है, कहाँ गया, ऐसे सेम वाला जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ है, ये वाला लाइट जो मैंने बेडरूम वाले में मैंने एक्स्ट्रा लिया था और मैंने ये सेव कर लिया और मैं इसका चार्जर अडाप्टर लेके आई और रिमोट लेके आई। तो मुझे एक्चुअली ये वाला इधर टीवी के लगाना है और मैं बहुत सारे लाइट्स, बिकॉज आई लाइक लाइट्स सो मच, सो आई जस्ट कीप बाइंग। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ। ओके सो आई शो यू माई ड्रेसिंग रूम बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे और मेरे को DMs भी आए थे 3-4 बार कि अपना ड्रेसिंग रूम, वैनिटी रूम दिखाओ प्रॉपरली। सो इतना प्रॉपरली नहीं दिखाऊंगी, फिर भी गंदा हो रहा है बाद में क्योंकि मुझे लाइट्स लगवाने वहाँ पे, तो अभी ऐसे ही देख लो। वहाँ पे भी बहुत सारा जंक रखा है, दिस इज़ माई न्यू रग एक्चुअली, मैं इसको अभी नीचे नहीं रखती हूँ कि कभी कोई आता है तो मैं नीचे रखती हूँ, दिस इज़ द एस्थेटिक वेज। लुक एट दिस यू गाइज, मैं बहुत क्यूट चीज़ दिखाती हूँ आपको, लुक एट दिस नेल कटर, ओ माई गॉड सो क्यूट। मोर लाइट, ये ज्वेलरी है, एयर ज्वेलरी, आई गॉट वन फॉर माई सेल्फ एंड वन फॉर जूहियन, एंड लुक एट दिस आई लैश कर्लर गाइज, कभी इतना छोटा आई लैश, अब तुम लोगों को पता भी नहीं होगा आई लैश कर्लर होता क्या है, तो बेसिकली आई लैश कर्लर होता है अपने ऐसे आई लैश उसमें डाल के, आउच मेरे को दिख ही नहीं रहे, ऐसे से प्रेस करना होता है सो दैट योर आई लैश विल कर्ल, हुए कि अरे हो गए। सो अभी मेरे साथ बहुत लॉल चीज हो गई है, लाइक आई फील लाइक आई एम अ क्लाउन, ओके मैंने आई वॉज रिकॉर्डिंग, इतनी बकवास करी और अनफॉर्चुनेटली वीडियो स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गई, आई फील सो स्टूपिड, ओह माय गॉड, आई वॉज ब्लैबरिंग टू मच, ओके सो बेसिकली कुछ भी ज़्यादा नहीं, मैं यही दिखा रही थी यार, आई हैव टेकन आउट माय कोरियन स्टडीज अगेन, और मैंने रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं अपने कोरियन लैंग्वेज दोबारा से स्टार्ट करूँगी और अभी तक अब जाके करिए, लाइक हाफ द मंथ इज ऑलमोस्ट ओवर।
आज काफी ठंड है वैसे, लाइक आई वॉज गेटिंग सो बोर्ड, आई वॉज जस्ट वॉचिंग टीवी फुल टाइम, लाइक सो मैंने सोचा चलो पढ़ ही लेती हूँ। और ये मेरी बुक्स है बारे में, ओके ओके, सो आई वेयर ग्लासेस, आपने देखा ही होगा मैं ग्लासेस पढ़ते हुए, आई वेयर ग्लासेस। और मैंने म्यूजिक भी चलाया था ताकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बंद हो गया समहाउ। मैं रेडी हूँ अपने टूल्स के साथ, बट खा नहीं सकती, आई वॉन्ट टू बिकम अ यूनिकॉर्न आफ्टर ईटिंग दिस, सो प्रिटी, लुक एट दिस शाइन। अच्छा तो एक्चुअली आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ रील्स बना लूँ आज मेकअप करके, बट यू गाइज इवन डोंट वॉच माई मेकअप, मैंने इतना मेकअप का बनाया नहीं, बट आई रियली वॉन्ट टू मेक अ मेकअप वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो। सो टेल मी इफ आई शुड मेक इट एंड शो यू माई रियल फेस, दिस इज माई रियल फेस। मैंने बहुत बकवास करी है, आई थिंक इतना ही करूँगी। और लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज आई कैन ऑल्सो टीच यू द बेसिक ऑफ कोरियन लैंग्वेज। मैंने कोरियन लैंग्वेज में 2 लेवल्स कर रखे हैं, जब मेरा 3rd था तो कोरोना आ गया था तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन मी टीचिंग यू द बेसिक ऑफ कोरियन लैंग्वेज, सो बिकॉज आई स्टिल नीड माई डिग्री इन द कोरियन लैंग्वेज, सो आई हैव टू यू नो कम्प्लीट इट एंड गिव एन एग्ज़ाम आफ्टर द 7 लेवल्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो लर्न करने में तो मुझे बता देना।